हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कृति की किचन। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूं। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में ऐसी ही रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो आइए चलिए चलते हमारी रेसिपी की तरफ। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ड्रम व्हीट पास्ता, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। मैदा, सब्जियों में मैंने लिया है गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, बटर, तेल, जीरा, लहसुन, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और साथ में काली मिर्च पाउडर, चीज़, मिल्क और नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भगोना लिया है जिसमें मैंने पानी डाल करके रखा हुआ है और इसमें हम हमारा पास्ता बॉईल करेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और साथ ही साथ में इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, जिससे कि हमारा जो पास्ता है वो स्टिकी ना हो। और ये मैं इसमें पास्ता ऐड कर दे रही हूँ और इसे हम ढक करके बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है जिसमें मैं तेल डाल रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पर लहसुन ले रही हूँ, 2 से 3 मैंने बारीक लहसुन को काट करके रख लिया था। जैसे हमारा जीरा लाल होने लगे हम इसमें हमारी सब्जियाँ डालेंगे। सब्जियों में मैंने आपको बताया मैंने गाजर 1 लिया था मीडियम साइज़ का, प्याज 1 मीडियम साइज़ का और शिमला मिर्च मैंने आधा इस्तेमाल किया था। इन सबको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मैं इसे इस तरीके से चला रही हूँ, इसे मैं ऑयल में इस तरह से मिक्स कर दे रही हूँ चारों तरफ से और इसे मैं लगातार वैसे से चला रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से हमारी सब्जियाँ थोड़ा जल्दी गल जाएंगी और इसे मैं अब थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दूँगी। लगभग 1 से 2 मिनट के बाद मैं देखती हूँ मेरी जो सब्जियाँ हैं वो अपना रंग बदल चुकी हैं और इसमें से तेल भी छूट चुका है, तो हम इसे निकाल करके अलग कर लेंगे। दूसरी तरफ मेरा पास्ता जो बॉयल हो रहा था वो अब तक बॉयल हो चुका है, तो इसे भी मैं निकाल करके अलग कर लूँगी। और आप देख सकते हैं मेरा पास्ता जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसे हम बाद में अपनी सॉस में मिलाएंगे। उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर बटर डाला है। बटर हमारा जैसे ही मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा मैंने जो इस पलटे से मैं हिला रही हूँ उसी से मैंने 1 चम्मच भर के लिया था। जैसे हमारे मैदा का रंग बदल जाएगा हम इसमें दूध मिलाएंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि कोई भी गांठ ना बने। अगर गांठ बन भी जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक ट्रिक ये है कि इसे हम इस तरीके से मैशर से चला सकते हैं और हमारे सारे जो गांठ होंगे वो इसमें घुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरा जो पास्ता है वो इस वक्त पे अच्छे से स्मूथ बैटर बन गया है मेरे सॉस का। दोस्तों एक और बात, मुझसे बहुत दिनों से पूछा जाता है कि मैं मिल्क कौन से ब्रांड का यूज़ करती हूँ। तो मैं जिस लोकेशन पर रहती हूँ यहाँ पर नंदिनी ब्रांड का मिल्क मिलता है और मैं साथ ही साथ कंट्री डिलाइट का यूज़ करती हूँ। तो आप कोई सा भी ब्रांड का मिल्क यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा व्हाइट सॉस भी बहुत अच्छे से बन चुका है। तब हम इसमें हमारा ऑरिगैनो डाल रहे हैं, इसके साथ हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे थोड़ा सा। अगर आपको आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप घर में रखी जो सूखी लाल मिर्च होती है उसको भी मिक्सर में चला करके बना सकते हैं। अब मैं इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ थोड़ा, और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालूंगी। इन सबको मैं अच्छे से चलाऊंगी और हमारे व्हाइट सॉस में मिक्स करूंगी। अब हम इसमें हमारी फ्राई की हुई सब्जियाँ ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। अब हमारा व्हाइट सॉस जो है वो तैयार हो चुका है। तब हम इसमें आखिरी में पास्ता ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसको और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें मेरा जो चीज स्लाइस है वो ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं और जितना क्वांटिटी चाहे आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बस 1 स्लाइस का यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने लास्ट टाइम वेज चीज सैंडविच में यूज़ किया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब मैं इसे लगातार इस तरीके से चला रही हूँ, मैंने सारी चीज़ों को आपस में मिला दिया है। अगर आपको व्हाइट सॉस पास्ता और जूसी या और ग्रेवी वाला चाहिए तो आप थोड़ा सा दूध और नमक और मिला सकते हैं, बट मुझे ये इसी तरीके से पसंद है और मेरे फैमिली में भी सबको ऐसा ही पसंद आता है। तो यहाँ पर मेरा व्हाइट सॉस पास्ता आप देख सकते हैं बन करके तैयार है और ये देखिए कितना ही यमी लग रहा है मेरा व्हाइट सॉस पास्ता। कितना ही आसान था इसको बनाना। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको इसका स्वाद। और हाँ, मेरी रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा।